नमस्कार। व्यक्तित्व की भी अपनी एक वाणी होती है जो बगैर कुछ कहे बगैर लिखे दूसरों के अंतर्मन को छू जाती है। तो अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी शख्सियत को, अपने व्यक्तित्व को इतना निखारिए कि आपके सामने आने वाला जैसे ही आपको देखे आपसे प्रभावित हो जाए, आपकी बातें उसके अंतर्मन को छू जाएं। और ऐसा हो सकता है अगर हम अपने आप पर काम करें, अपने आप को सुधारें, अपने आप को संवारें। कैसे? इसी सवाल का जवाब है आपके तारे, और आपके साथ आज भी हैं आपके अपने ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। नमस्कार। तो आपके साथ हैं आपके अपने ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी, आपको ये बताने, ये समझाने के लिए कि अगर आप चाह लें, अगर आप तय कर लें तो आपके दिन को अच्छा होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। बस हमें करना ये होता है कि अपने कर्मों को थोड़ी धार देनी पड़ती है, सही दिशा में आगे बढ़ना पड़ता है, सही वक्त पर सही काम करना होता है, और जो मुश्किलें आने वाली हैं उनसे थोड़ा बचकर निकल जाना होता है। जिनका सामना करना होता है उनके तरीके भी हम आपको बताते हैं। तो आज यही सारी बातें होंगी सारी राशियों के लिए, लेकिन सबसे पहले पंचांग। आज 1 मार्च 2019 है और शुक्रवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2075 है और शक संवत 1940। फागुन मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। दशमी तिथि है सुबह 8:39 तक और उसके बाद एकादशी तिथि। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र है देर रात 5:54 तक और उसके बाद उत्तराषाढ़ नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं धनु राशि में। आज भद्रा है सुबह 8:09 तक और स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती। मेष विषय आपसे हो रही है राशिफल के सिलसिले की शुरुआत। तो आइए देखते हैं कैसा है दिन और क्या करें क्या बिल्कुल ना करें। मेष राशि वालों के लिए किसी काम में पैसा लगाने का या अपने काम को चमकाने का अच्छा मौका है आपके सामने। जो भी असमंजस पहले बना हुआ था अब उसे तोड़ा है और नए नजरिए के साथ अपनी परिस्थिति का आंकलन कर रहे हैं। इसी विचार को आगे बढ़ाने से आपकी आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी हो सकती है। क्या करना चाहिए इस समय में? किसी नए विचार को आगे बढ़ाने से पहले आपको अपने बड़े बुजुर्गों से मशवरा करना होगा। उन्हें समझाने में आपको कई तरह की मुश्किलें पेश आएं, फिर भी उनका समर्थन और आशीर्वाद लेकर ही आपको अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। क्या ना करें इस समय में? इंसान अपनी कोशिशों से मुश्किल रास्ता तय कर सकता है, पर ऐसा करते हुए अपनी कोशिशों को किसी भी वजह से कमजोर ना पड़ने दें। अगर किसी से विचार नहीं मिल रहे तो भी अपने स्वभाव को बहुत ज्यादा अड़ियल ना बनाएं। वृषभ राशि वाले अपने मन में बिठाई हुई चिंताओं को हटा दें ताकि अपने हालात को भली भांति समझा जा सके और अपने फैसले सूझबूझ से किए जा सके। किसी भी मुश्किल को चुनौती समझेंगे तो उन चुनौतियों से पार पाना भी आसान हो जाएगा, पर अपनी कोशिशों को सही दिशा में लगाने की जरूरत तो पड़ेगी। क्या करना चाहिए समय में? किसी भी प्रयास में सफलता पाने के लिए अपने साथी सहयोगियों से तालमेल बिठाना होगा। वो क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं इस बात को भी भली भांति समझना होगा ताकि आपके फैसले सही हो सके और आपके हालात आपकी पकड़ में रहें। क्या ना करें इस समय में? अपने पैसे से जुड़े फैसले लोगों पर ना छोड़ते चले जाएं और हर चीज में पारदर्शिता बनाए रखें। कहीं ऐसा ना हो कि किसी गलत फहमी के चलते आप ही का नुकसान हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलत फहमी आपको किसी तरह का नुकसान पहुंचा जाए। तो बचिएगा गलत फहमी से। लेना है सवाल। सवाल है गोविंद कुमार राव का। 25/12/2008 सुबह गोरखपुर में इनका जन्म हुआ है। प्रोग्राम लगातार देख रहे हैं 2017 से ये देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जिंदगी में संघर्ष बहुत ज्यादा है और कब तक ये संघर्ष का अंत होगा जीवन से और जीवन सुखमय हो पाएगा, ये जानना चाहते हैं। गोविंद, आपकी कुंडली है जी धनु लगन की और धनु राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी शुक्र की और अंतरदशा चल रही है बृहस्पति की April 2019 तक। आपने कहा कि जिंदगी में बहुत सारे संघर्ष हैं और खुशी कब तक मिलेगी जिंदगी में? देखिए, 18 वर्ष की आपकी आयु है, सिर्फ पढ़ाई करने का काम है आपके सामने और कोई काम है नहीं, और पढ़ाई में मन बिल्कुल भी नहीं। देखिए, सवाल पूछना बहुत आसान होता है लेकिन अपने अंदर झांकिए, आपको उत्तर खुद ब खुद मिल जाएंगे। अपने फोकस को बढ़ाइए, पढ़ाई के प्रति अपना मन लगाइए ताकि आपका भविष्य बन जाए। समय बर्बाद मत करें। तो गोविंद, आपके लिए तो बहुत ही शानदार मौका है। आप आज ही से अपनी जिंदगी संभाल सकते हैं, संवार सकते हैं। अच्छा समय दस्तक दे सकता है, क्यों नहीं दे रहा है? इसके लिए आपको ईमानदारी से अपने अंदर झांकना पड़ेगा। आप पाएंगे कि पढ़ाई ही सबसे इंपॉर्टेंट है और पढ़ाई ढंग से ना कर पाने की वजह से ही ये सारा असंतोष है आपके अंदर। बहुत आसान इलाज है, कीजिए पढ़ाई और देखिए क्या बढ़िया जिंदगी होती है आपकी। आगे बढ़ेंगे मिथुन और कर्क राशि। अब आपके बारे में जानेंगे ज्योतिष गुरु से कैसा है आज का दिन और क्या करना है क्या बिल्कुल नहीं करना है। मिथुन राशि वालों को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कामकाज के क्षेत्र में भी तकरार है और कोई प्यार का रिश्ता भी संभल नहीं पा रहा। किसी भी रिश्ते की नींव भरोसे पर ही टिकी हुई होती है।
क्या करना चाहिए इस समय में? अपने पैसे को कहीं फंसाते चले जाने से बचना होगा, और अगर पैसा आसानी से आ जाए तो भी ज्यादा सतर्क रहना होगा, क्योंकि हालात ऐसे बने हुए हैं जो आपकी मुश्किलों को बढ़ा भी सकते हैं। इसलिए भी इस पूरी बात को समझने की जरूरत पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में? कामकाज से जुड़ी चुनौतियों को समझने में कोई गलती ना करें। हालात संभाले रखना है तो कोई बड़ा कदम भी ना उठाएं। अगर किसी अनजान वजह से कोई नुकसान होने का अंदेशा हो तो गलती कर लेना ठीक नहीं है। कर्क राशि वालों के लिए निजी जीवन के हालात को संभाले रखना एक चुनौती बनता चला जा रहा है, पर आपकी परेशानियां बढ़ रही हैं, जिसका बुरा असर ये हो रहा है कि लोग भी आपसे बहुत ज्यादा खुश नहीं। क्या करना चाहिए समय में? सेहत की ओर ध्यान देना होगा, और कोई बड़ी परेशानी बढ़ रही है तो कोई और सलाह लेने की जरूरत पड़ेगी। रिश्तों की अच्छाई बनाए रखने के लिए भी अपने मन में बहुत सारी शांति बनानी होगी। क्या ना करें इस समय में? किसी दूर स्थान के विकल्प के बारे में बिल्कुल ना सोचें, और इसलिए यथास्थिति बनाए रखें। किसी भी तरह की यात्रा, बदलाव या परिवर्तन करने की योजना बिल्कुल ना बनाएं। अपने कामकाज की अच्छी भुली बनती हुई स्थिति को किसी भी वजह से कम करते चले जाना ठीक नहीं होगा। कामकाज की परिस्थितियां अच्छी खासी हैं, उनको अपनी तरफ से क्यों गड़बड़ करना चाहते हैं भाई, ये बिल्कुल मत कीजिए। सिंह और कन्या राशि, अब आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, कैसे प्लान करना है आज के दिन को, ये नोट कीजिए। सिंह राशि वाले ही समझ लें कि आपकी पीठ पीछे इस समय बहुत कुछ हो रहा है। कामकाज के क्षेत्र में भी आपको अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पा रहा, उसके पीछे भी कई सारे ऐसे कारण हो सकते हैं जिनका आपको आभास नहीं। अगर आपके साथी सहयोगी आपसे ईर्ष्या करते चले जाएंगे तो कोई ना कोई बात बिगड़ती ही चली जाएगी। क्या करना चाहिए इस समय में? पैसे के लेन देन से जुड़े फैसले बहुत ध्यानपूर्वक लेने होंगे। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो उसमें हाथ डालने से भी बचना होगा। जब भी पैसे की स्थिति कमजोर पड़ रही हो तो किसी भी तरह का खतरा मोल लेना हानिकारक हो सकता है। क्या ना करें इस समय में? किसी भी वजह से किसी का दिल ना दुखाएं, और ऐसा करके अपने लिए परेशानियां ना बटोरें। किसी गलत फहमी की वजह से अपने लिए रुकावटें बढ़ाते चले जाना और अच्छी भली स्थिति को बिगाड़ते चले जाना ठीक नहीं। कन्या राशि वालों के सामने कई तरह के अच्छे विकल्प हैं, जिसके चलते आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है, पर ये आर्थिक स्थिति तक सीमित है। कामकाज की स्थिति मध्यम बनती हुई नजर आ रही है, जिस ओर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। हर समय से जुड़ी हुई कोई ना कोई प्राथमिकता होती है, जिस ओर ध्यान तो देना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाने का विचार बनता जा रहा है आपके मन में, पर आपके आसपास के लोगों की नाराजगियां बनी हुई हैं जिन्हें संभालना तो पड़ेगा ही, तभी जाकर आप अपनी बात कह पाएंगे और लोगों को समझा पाएंगे। बहुत सारी बातों को एक साथ छेड़ने से भी बचना होगा, ताकि एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए आप एक एक मुद्दे को ही संभालते चले जाएं। क्या ना करें इस समय में? लोगों से मिलती हुई मदद को आप बर्बाद न करते चले जाएं। इसलिए किसी ऐसे काम में हाथ ना डालें जिसमें आपको सिर्फ कठिनाइयों का ही सामना करना पड़े। इसलिए लोगों से मिलती हुई मदद को सही दिशा में लगाएं, ताकि अपने भविष्य को मजबूत करने में कोई कमी ना रह जाए। देखिए, अपनी तरफ से अपने भविष्य को बेहतर बनाने में कोई कमी मत छोड़िए, यह सलाह है ज्योतिष गुरु की आपके लिए। अब सलाह चाहिए सिकंदर सिंह टंडन को, ज्योतिष गुरु आपसे। 23/3/1989, 8:15 सुबह इनका जन्म हुआ है, शामली तहसील में, उत्तर प्रदेश के। लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है और जॉब का भी बहुत टेंशन है, चाहे जॉब लगी नहीं है या जॉब में है और दिक्कत है। बहरहाल सवाल ये, सिकंदर आपकी कुंडली है जी मेष लगन की और कन्या राशि की, आपकी महादशा चल रही है जी राहु की और अंतरदशा चल रही है बुध की 14 मार्च 2019 तक, और उसके बाद राहु की महादशा में केतु की अंतरदशा आपको मिलेगी। जॉब की टेंशन है आपने कहा, अब मैं तो यही समझूंगा कि जॉब नहीं है इसलिए आप कह रहे हैं कि जॉब की टेंशन है, और अगर ऐसा है तो अप्रैल मई 2019 में आपको जॉब मिल सकती है, और उसी में फिर मेहनत कर लीजिए और उसी से ही अपना कैरियर बनाने की कोशिश कर लीजिए। आगे चल के 2024 में आपको बड़ी सफलता मिल जाएगी, आपका कैरियर बहुत अच्छे से बन जाएगा। अप्रैल मई 2019 में आपको जॉब मिल सकती है, 2024 में आपका करियर और अच्छा हो रहा है, तो आपके लिए तो अब धीरे धीरे सब कुछ अच्छा ही होने जा रहा है। परेशानी का समय बीत चुका है, लास्ट टाइम जो ये होता है अच्छे वक्त से ठीक पहले वाला, उसको बहुत अच्छे से जीना चाहिए, जमकर मेहनत करनी चाहिए। तुला और वृश्चिक राशि, अब आपको क्या करना चाहिए नोट कीजिए। तुला राशि वाले अपनों को हर तरह से समझना चाह रहे हैं, और ये आपकी अच्छाई है जो आपको लोगों से जोड़ने में मदद कर रही है। लोगों के फिर भी अपने ही प्रबल विचार हो सकते हैं, जिन्हें भी साथ ही साथ आपको समझने की कोशिश करनी होगी। क्या करना चाहिए समय में? अपनी काबिलियत को इस्तेमाल करने का और उससे फायदा उठाने का अच्छा मौका है आपके सामने।
अगर उस अच्छाई को अपने काम से जोड़ेंगे तो आपकी उपलब्धियों में इजाफा होगा और आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती चली जाएगी। इस अच्छाई से जुड़े रहने से इस समय फायदा जरूर होगा। क्या ना करें इस समय में, तकदीर को आजमाने के प्रयास में अपना नुकसान ना करें और अपने नुकसान का बुरा असर अपनी आर्थिक स्थिति पर और अपनी बचत पर बिल्कुल ना पड़ने दें। ये समय ही ऐसा है जिसमें बच कर निकल जाना ही जरूरी है ताकि किसी भी तरह की परेशानी आपको छू भी ना पाए। वृश्चिक राशि वालों के लिए यात्रा भी हो सकती है और यात्रा से लाभ भी हो सकता है और कई तरह के अच्छे मौके भी मिल सकते हैं जो आपको सफलता के गगार तक ले जाएंगे। क्या करना चाहिए समूह, कामकाज के सुकून से आपके घर परिवार की खुशियां बनी हुई और घर परिवार की खुशियों की वजह से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती चली जा रही और तकदीर आपका पूरा साथ निभा रही। किसी भी अच्छे समय को सहेज लेना बहुत जरूरी है। क्या ना करें इस समय में, किसी प्यार के रिश्ते को बढ़ावा देने की कोशिश ना करें और इस वजह से अपने कदम भी इस दिशा में बिल्कुल ना बढ़ाएं। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़े और पछताना पड़े। वैसे भी अपनी गलतियों को दोहराते चले जाना कभी भी ठीक नहीं होता। बस अपनी गलतियों को खुद ही दोहराना बहुत बड़ी गलती होगी और ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। धनुर्मकर राशि, देखिए गलती तो हम आपको करने भी नहीं देंगे किसी भी तरह की, उसके लिए जरूरी है लेकिन सुनना कि क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वालों के सामने सेहत से जुड़ा कोई मुद्दा है तो आपको बातचीत करनी होगी और अगर कोई बात पूरी तरह से समझ नहीं आ रही तो उसे समझने की भी कोशिश करनी होगी। अगर कोई और सलाह लेनी पड़े तो ले लें ताकि अपने मन में बिठाई हुई घबराहट को दूर किया जा सके। क्या करना चाहिए समय में, बात करने की या किसी तरह से कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे तो आपको फायदा जरूर होगा, पर कोशिश ये होनी चाहिए कि आप अपने मन में बिठाई हुई चिंताओं को भी हटा दें। अगर आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है तो उसे भी संभाले रखें ताकि हालात आपकी हर तरह से मदद करते चले जाएं। क्या न करें इस समय में, अगर स्थान परिवर्तन का कोई विचार बन रहा है तो उसे पूरी तरह से खारिज न करें। अपने हालात का सही जायजा लें और इस बात को समझें कि किस चीज़ में कितनी अच्छाई और कितनी कमी हो सकती है और अगर किसी भी तरह की यात्रा या स्थान परिवर्तन आपके अपनों को खुशी दे तो उससे पीछे भी ना हटें। मकर राशि वालों के लिए हालात हर तरह से मददगार हैं पर आपके फैसलों में बहुत सारी लापरवाही नजर आ रही है। किसी भी फैसले में अगर आप जल्दबाजी दिखाएंगे तो गलती होने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। क्या करना चाहिए इस समय में, आप इस बात को साबित करना चाहेंगे कि लोगों की वजह से नुकसान हो रहा है जबकि कुछ ना कुछ गलती आपकी भी है। आसानी से आता हुआ पैसा भी इंसान से गलती करवा देता है, इसलिए बहुत ज्यादा संभल कर चलने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में, किसी भी तरह के चमत्कार की उम्मीद ना लगाएं, इसलिए किसी भी बात को अंजाम देने में जल्दबाजी या उतावलापन बिल्कुल ना दिखाएं। अपने हालात को संभाले रखने में ही सूझबूझ है। अपने हालात को संभाले रखें और उतावलापन बिल्कुल सही नहीं है इस समय आपकी। कुंभ और मीन राशि, तो ज्योतिष गुरु से जानेंगे हम आपके आज के दिन के बारे में, जानेंगे जरूर लेकिन साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आपको क्या करने की और किससे बचने की सलाह दी जाती है। कुंभ राशि वाले ही समझ लें कि किसी भी तरह का खतरा मोल लेने से बात बिगड़ सकती है और कोई भी चीज अगर अपनों से दूरियां बना दे तो उसमें भी आपकी गलती हो सकती है क्योंकि ये समय ही कुछ ऐसा है कि लोग आपसे जुड़ना चाहें पर आप फासले बनाते चले जाएं और यही ठीक नहीं। क्या करना चाहिए समय में, हर चीज को इस रूप से देखना होगा कि उसमें आपकी जिंदगी की खुशियां बनी रहे, अपनों का साथ मिला रहे और हालात संभले रहे, पर इस समय बहुत कुछ एक साथ चल रहा है जिसमें रिश्तों के प्रति अपनी अच्छाई बनाए रखने की जरूरत पड़ सकती है। क्या ना करें इस समय में, अपने काम या कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत बनी रहेगी, इस बात को लेकर चिंतित न होते चले जाएं, ये ना सोचते चले जाएं कि पैसे की जरूरतें कैसे पूरी होंगी। मीन राशि वाले ये समझ लें कि अपनी कोशिशों से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है और ऐसा करते हुए अचानक लाभ की परिस्थितियां भी बन सकती हैं, पर लाभ का ना सोचकर आपकी प्राथमिकता काम के प्रति अपनी तवज्जो बनाए रखने की होनी चाहिए। क्या करना चाहिए समय में, काम के प्रति फोकस बढ़ेगा तो बड़ी सफलता के रास्ते खुल जाएंगे। भरोसा करना सीखें, कुछ नयापन लाने की कोशिश करें, अपने ज्ञान को पूरी तरह से इस्तेमाल कर लें, आपको फायदा जरूर होगा। क्या ना करें इस समय में, पैसा जुटाने की कोशिश करेंगे तो नुकसान हो जाएगा पर अगर पैसा कमाने की कोशिश करेंगे तो वो पैसा सही दिशा में लगेगा और आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाएगा, इसलिए इस भेद को समझें ताकि आपके फैसलों में किसी भी तरह की कमी ना रहे। पैसा जुटाने से ज्यादा जरूरी है पैसा कमाना, अगर कमाने के रास्ते खुलेंगे तो जुटना भी शुरू हो जाएगा। समझिए कि प्रायोरिटी क्या है जीवन की। तो ये तो बात हुई ज्योतिष गुरु सारी राशियों की, अब सब तैयार हैं जानने के लिए वो कौन सी राशि है जिसके लिए कुछ खास अभी बाकी है। मकर राशि वालों के लिए आज के दिन में खास ये है जी कि मुश्किलों और परेशानियों के बावजूद ये भाग्यशाली समय है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप
खुद अपना नुकसान करते चले जाएं और अपनी मुश्किलों को बढ़ाते चले जाएं। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखने से बहुत कुछ संभला रहेगा, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। तो फिलहाल दीजिए इजाजत और याद रखिए कि पर्सनैलिटी, शख्सियत, व्यक्तित्व, इसकी अपनी एक वाणी होती है जो बगैर कुछ कहे दूसरों के अंतर्मन को छू जाती है, और ऐसा ही बनना है आपको। फिलहाल हमारी ये कोशिश लगातार जारी रहेगी कि हम आपके दिन को कैसे संवारें, कैसे सुधारें, कैसे चमकाएं। आज के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन ईमेल आईडी नोट कर लीजिए जिस पर भेज सकते हैं अपना सवाल, आपके तारे @aajtak.com। वेबसाइट है www.aajtak.in/tare। तो आज के लिए आ गया, कल फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।